हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करना और हमारी टाइप रहेगी जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जैसे डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये देखिए डी एक्स ओवर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास तीन केसेस होंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। अब हमारे पास यहाँ पर तीन फॉर्मूले बनेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम कौन सा चूज करेंगे, दो नंबर वाला, जहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। मतलब जो यहां पर लिखा होगा एक्स, वो ओवर यहां पर ए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक होना चाहिए प्लस सी। ये दोनों एक जैसे होंगे, ये अलग होगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लॉग ऑफ मोड के अंदर एक्स प्लस यही जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। इसी तरह से यहां पर भी लॉग ऑफ एक्स प्लस डिनोमिनेटर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। मतलब जो डिनोमिनेटर में जिसका हम इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं वही लिख देंगे एक्स ऐड करके। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा है अंडर रूट के अंदर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये तीनों टाइप की इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको किसी के स्क्वायर में लिखना है। तो फोर का अंडर रूट होता है टू, तो हम उसके स्क्वायर में लिखेंगे, मतलब टू का स्क्वायर। अगर यहां पर फाइव होता तो हम इसको अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करके लिखते, अगर थ्री होता तो हम अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करके लिखते। उसके बाद हमने इन तीन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर फॉर्मूला है टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैच कर रहा है इसके साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स प्लस मोड के अंदर एक्स प्लस, और जो हमारा इंटीग्रेंड है वही आ जाएगा चार प्लस एक्स स्क्वायर मोड प्लस सी। यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ए मतलब यहां पर ए की वैल्यू है टू जिसका स्क्वायर किया गया है प्लस सी। और यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। और यहां पर लॉग ऑफ एक्स प्लस जो हमारा इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी, और ये हमारे आंसर आ जाएंगे तीनों क्वेश्चन के। अब अगर हमारे पास यहां पर फाइव आ जाए, फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो उसको हम लिखेंगे अंडर रूट फाइव का स्क्वायर। अगर यहां पर वन बाई टू होता, वन बाई टू, तो उसको हमने लिखना है अंडर रूट वन बाई टू का स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है हमारा दूसरा फॉर्मूला था, और इसमें क्या है लॉग ऑफ एक्स प्लस जो इंटीग्रेंड है यही आ जाएगा फाइव प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बना है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ए की वैल्यू है अंडर रूट फाइव। देखिए अंडर रूट फाइव। इसी तरह से यहां पर लॉग ऑफ एक्स, हमारा सिर्फ यही फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो अलग होगा, बाकी ये दोनों एक जैसे है। लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेंड उसी को ही पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अंडर रूट प्लस सी। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ए की जगह फ्रैक्शन हो,
कोई रैशनल नंबर हो, तब हम क्या करेंगे उसका अंडर रूट ले लेंगे, ऐसे अंडर रूट और अंडर रूट उसका स्क्वायर कर देंगे किसी भी नंबर का। जैसे टू है तो टू का अंडर रूट लेके उसका स्क्वायर करेंगे तो टू ही मिलेगा। तो यहां पर अगर 1/2 है तो ये 1/2 को हम लिखेंगे 1/√2² या 1/2 का अंडर रूट उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब हमारे ये तीनों, इन तीनों की फॉर्म में आ गए हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कोई भी। तो देखिए सबसे पहले a² - x² फॉर्मूला बनता है और वो होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ए का मतलब यहां पर 1/√2 प्लस सी। अब अंडर रूट टू ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट 2x प्लस सी। यहां पर लॉग ऑफ एक्स प्लस जो इंटीग्रेंड में लिखा हुआ है x² - ½ अंडर रूट प्लस सी। इसी तरह से यहां पर लॉग ऑफ a² + x² फॉर्म बनी है तो एक्स प्लस 1/2 प्लस x² अंडर रूट प्लस सी। ये तीनों आंसर आ गए। और फ्रेंड सपोज करिए अगर यहां पर ऐसे लिखा हो ½ + x - 2 होल स्क्वायर, ½ - x - 2 होल स्क्वायर, ½ + x - 2 होल स्क्वायर - ½, तब भी ये फॉर्मूले ऐसे ही यूज होंगे और हम क्या करेंगे इसको अंडर रूट के अंदर लिख के स्क्वायर कर देंगे सब में। इस तरह से फॉर्मूला वैसे ही लगेगा। तो ये बनेगा a² - x² मतलब साइन इनवर्स एक्स की जगह अब आ गया x - 2, एक्स की जगह ये सब कुछ लिखा जाएगा ओवर 1/√2 प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट टू न्यूमिनेटर में चला गया x - 2 प्लस सी। यहां पर लोग a² + x² की फॉर्म में आ गया तो ये होता है लोग ऑफ एक्स, एक्स की जगह यहां पर है x - 2 तो x - 2 प्लस जो इंटीग्रेंड में लिखा है क्या लिखा है ½ + x - 2 होल स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह से यहां पर भी लोग ऑफ एक्स, एक्स की जगह है x - 2 प्लस जो इंटीग्रेंड है x - 2 होल स्क्वायर - 1/2 प्लस सी। अगर हमारे पास ऐसे दिया हो ax² + bx + c, तब हम क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर, तब भी हम यही फॉर्म में इसको रिड्यूस करके यूज करेंगे। सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया हो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 8 + 3x - x² हो, तब हम इसी फॉर्मूले से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये है क्वाड्रेटिक तो यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कैसे, पहले हमें 8 + 3x - x² को a² + x² या a² - x² या फिर x² - a² की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, माइनस कॉमन लेके, क्योंकि यहां पर x² का कोफिशियंट 1 होना चाहिए प्लस का, अगर यहां पर 2x² होता तो हमने 2 भी कॉमन ले लेना था। तो x² - कॉमन ले लिया है तो हमें मिलेगा 3 - 3, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -3x - 8। अब इसको स्क्वायर को a² या a² - x² की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये बनेगा a² - x² या x² - a² की फॉर्म है। तो इसको लिखेंगे हम पहली टर्म को ऐसे, फिर दूसरी टर्म -2 * a * b प्लस b², फिर -b² और -8 लास्ट टर्म। ये स्टेप हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था जहां पर हमने ये सब इंटीग्रेशन की थी डिनोमिनेटर में बिना अंडर रूट के साथ। अगली वीडियो में हम करेंगे जब ये अंडर रूट के साथ सभी न्यूमिनेटर में पहुंच जाएंगे, मतलब a² + x² अंडर रूट dx, a² - x² dx, x² - a² अंडर रूट dx। अब इसको कैसे करेंगे, हम यहां पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमें 3x मिले, तो 3/2 सब जगह 3/2 रखते हैं। इससे ऐसे होगा ये टर्म इसके बराबर, ये टर्म इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर है और ये कैंसिल हो जाती हैं। इसके बाद हम तीनों टर्म को इकट्ठा करेंगे
तो हमें मिलेगा एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर माइनस, इसको जब हम इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 9/4 + 8, और फिर 8 × 4 = 32 + 9 = 41/4, और 41/4 को हम लिख सकते हैं 41√2 इसका स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर बाहर माइनस मिला है, तो हम माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये टर्म पहले आ जाएगी प्लस की और ये माइनस, मतलब ये टर्म ऐसे लिखी जाएगी फिर √41/2² - और ये आगे से टर्म हटके यहां लग जाएगी, तो ये टर्म इसकी जगह ले लेगी, और फिर dx/√42√2² - x − 3/2² अब हम देखेंगे इन तीनों में से इसने कौन सी फॉर्म एज्यूम कर ली है, तो यह है a² - x², और a² - x² का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin inverse x over a, और x की जगह यहां पर क्या है, x − 3/2 a की जगह है √41/2 + c। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा, यहां से 2 LCM रहेगा, तो sin inverse 2x − 3 LCM यहां से इधर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा 2, तो यहां हमें मिलेगा 41, 2 2 कैंसिल हो गया प्लस सी, हमारा आंसर ये बचेगा 2x − 3/41√c। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो 5x² - 2x, यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म अगर मिसिंग है तब भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, 5x² - 2x को इन तीन में से कोई एक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले 5 बाहर, क्योंकि x² का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है, तो ये मिलेगा ऐसे। उसके बाद ये करेंगे a² बीच में 2x, या एक्स वाली टर्म जो वो माइनस है, तो ये बनेगा a − b² फॉर्मूला, a² − 2 * a, a की वैल्यू हमेशा एक्स रहती है, फिर b की वैल्यू हमें चूज करनी पड़ती है ताकि ये टर्म मिले हमें यहां से, तो हमें 2x पहले ही मिल चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू हम 1 रखेंगे, +1² ये b की टर्म आ गई, a² + b² - 2ab, अब -1 इसको हटा देंगे, और आगे देखिए यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो सिर्फ यहीं तक रहेगा, ये टर्म इसके बराबर हो गई, ये टर्म इसके बराबर हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, तो आगे इन तीनों को कंबाइन करेंगे, a² + b² - 2ab ये बनेगा x − 1 होल स्क्वायर, आगे 1 स्क्वायर, ये इसको अकेले को रखेंगे, उसके बाद हम इसकी जगह ये ले जाएंगे, लेकिन हमने 5 कॉमन लिया हुआ है, अगर 5 यहां पर कॉमन है तो ऐसे अंडर रूट में चल रहा है ये सब कुछ ऐसे, तो ये भी 5 अंडर रूट में आया है, इसका मतलब हम अंडर रूट 5 बाहर रख लेंगे, और हमारे पास रहेगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर x − 1 होल स्क्वायर − 1 स्क्वायर। अब यहां से कौन सा फॉर्मूला है, देखिए x पहले है, यहां भी x पहले है, x² − 1 स्क्वायर, तो x² − 1 स्क्वायर होगा लॉग ऑफ x, x है यहां पर x − 1 + यही जो इंटीग्रेंड है यही लिख देंगे, x − 1 होल स्क्वायर − 1 + c, और ये हमारा आंसर होगा इसका। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन भी इसी की फॉर्म में है, इन तीनों की एक फॉर्म में, क्योंकि अंडर रूट है यहां पर, कैसे आएगा, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट टेंजेंट x = t, जब डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट की होगी secant² x dx dt,
देखिए अब डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है यहां पर, तो ये डी टी की फॉर्म में आ जाएगा। न्यूमिनेटर में डी टी बनेगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर यहां पर हमने ये टी रखा है, तो ये बनेगा टी स्क्वायर। और फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ये बन जाता है लॉग ऑफ एक्स, एक्स यहां पर है टी, प्लस अंडर रूट के अंदर जो टर्म दी हुई है जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है वो ही प्लस सी। अब दोबारा से हम टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, लॉग ऑफ टी हमने रखा है टेंजेंट एक्स प्लस यहां आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस फोर प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हमने तभी यूज करना है जब ये हमारे पास न्यूमिनेटर में कुछ भी ना हो वन, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म यूज होती हो तब। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, देखिए साइन एक्स दिया है यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म है अंडर रूट है, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, इसका मतलब जरूर हम यहां पर साइन की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो लिख देंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, और जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर फोर को हम लिख देंगे टू स्क्वायर माइनस साइन एक्स को हमने लिखा है टी टी स्क्वायर, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है यहां से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स यहां पर है टी टी ओवर ए की वैल्यू है टू प्लस सी। अब टी की जो हमने वैल्यू सपोज करके रखी थी वो पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ओवर टू प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप या आपका कोई साथी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल है एग्जाम क्रैकर, जिसमें आपको मैथ्स के 100 ट्रिक्स और रीजनिंग को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड मिलेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स पावर एट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये भी इन तीन में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर अगर हम एक्स पावर एट की जगह एक्स पावर फोर का स्क्वायर करें और फिर एक्स पावर फोर को पुट करें तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा। कैसे, इस तरह से पुट एक्स पावर फोर इक्वल टू टी, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, हमें यहां पर फोर नहीं चाहिए तो इस फोर को हम यहां से हटा के यहां लिख देंगे, आई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह हमारे पास आएगा डी टी ओवर फोर, मैं फोर को बाहर लिख देता हूं, और अंडर रूट के अंदर वन माइनस इसको हमने लिखना है एक्स पावर फोर स्क्वायर करके, तो एक्स पावर फोर की जगह हम टी लिखेंगे टी स्क्वायर, और वन को भी हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए इन तीन में से कोई एक फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन की वैल्यू हमें ए मिल रही है वन बाई फोर इंटू, यह है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है टी ओवर ए वन प्लस सी, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, वन बाई फोर साइन इनवर्स टी की जगह क्या है एक्स पावर फोर प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो आप ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करें, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं इसके सोल्यूशन दे दूंगा अगली वीडियो में। अब आप बताएं मेरे को आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, धन्यवाद।